आप सभी का स्वागत है अपने ही YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। आज अब हम लोग एक नए हेडिंग के साथ आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग माना जाता है, जो कि हाई स्कूल में भी आप पढ़ चुके हैं, जिसका नाम धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट कैरिंग कंडक्टर। और यह आपको बताया गया जिसे आप बायो सेवर्ट कहते हैं। बायो सेवर्ट का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और इंटर के लिए तो विशेष तौर पे महत्वपूर्ण है और हाई स्कूल में भी आप ये नियम पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसानी होगी, एकदम कंफर्म समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिएगा, आपको पहले फिगर बताया जा रहा है। फिगर में आपको बता दिया गया है आपका धारा आई है, धारा आई है और इस कंडीशन में आपको बता दिया गया चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी है, यहाँ पर कोई बिंदु आप पी भी मान सकते हैं। और उसके बाद भी आपको बताया गया है इधर का भी चुंबकीय क्षेत्र आपका बताया गया बाबू डेल्टा वेक्टर भी है। और इस कंडीशन में आपको बता दिया गया धारावाही चालक है, धारावाही चालक है। अब यहाँ पर बिंदु आपको बताया गया ओ है, इसकी लंबाई आपको दे दिया गया बाबू डेल्टा एल, एंगल आपको थीटा दिया गया है, बीच की दूरी आपको दिया गया बाबू आर है। ये आपको बायो सेवर्ट के नियम का फिगर है। तो बायो सेवर्ट ने कहा क्या, पहले ध्यान दीजिएगा, आपको बताया जा रहा है कि बायो सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि जो धारावाही चालक के छोटे खंड की लंबाई है या धारावाही चालक में छोटे खंड की लंबाई के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो निम्न बात आपको बताई जा रही, पहले ध्यान दीजिएगा, आपको बायो सेवर्ट के नियम में बताया जा रहा है कि बायो सेवर्ट ने, ध्यान देते रहिएगा बाबू, बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि धारावाही चालक के छोटे खंड की लंबाई से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करती है। इस कंडीशन में आपको पहले बताया जा रहा बाबू कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, कि उनमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका पहला कंडीशन है, पहली बात है कि डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, माने चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा कंडीशन आपको बताया गया बाबू डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, माने चालक खंड की छोटे चालक खंड की लंबाई उसके अनुक्रमानुपाती होता, अर्थात लंबाई डेल्टा एल है। उसके बाद तीसरा कंडीशन आपको बताया जा रहा कि जो उनके बीच के कोण की जैक के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इस कंडीशन में भी आपको मिलेगा बाबू डेल्टा बी जो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और चौथा कंडीशन बताया गया उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस कंडीशन में आपको मिलेगा बाबू डेल्टा बी जो प्रोपोर्शनल टू 1/r². इन चारों नियमों को मिलाने पर जब मिलाया जाएगा तो आपको मिलेगा क्या बाबू, डेल्टा बीज प्रोपोर्शनल आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बाई हो जाएगा आर स्क्वायर।
आप सभी को पता है कि जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट अर्थात नियतांक वैल्यू कार्य करता है, और वो है बाबू म्यू जीरो अपान फोर पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बाई हो जाएगा आर स्क्वायर। यही बायो सेवर्ट के नियम का व्यंजक है, जहां आप बता सकते हैं, बताया गया आपको जहां म्यू जीरो, जहां म्यू जीरो अपान फोर पाई एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, और इस कंडीशन में बताया गया बाबू म्यू जीरो अपान फोर पाई का मान बराबर होता है केवल 10^-7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और बताया गया अगर केवल म्यू जीरो का मान निकालेंगे तो म्यू जीरो बराबर हो जाएगा बाबू 4π × 10^-7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और बताया गया बाबू जहां म्यू जीरो को ही निर्वात की चुंबकशीलता भी कहते हैं, इस कंडीशन में आपको बताया गया म्यू जीरो को निर्वात की चुंबक शीलता कहते हैं। बीमा म्यू जीरो की बीमा आप निकालेंगे बाबू मात्रक से निकालेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर से, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आप जानते हैं बाबू न्यूटन मात्रक किसका है, बल का मात्रक है, और बल का बीमा क्या होता है अगर डायरेक्ट आप नहीं जानते हैं तो यह बराबर सूत्र होता है m इंटू ए। इस कंडीशन के स्थान पे आप लिख सकते हैं m एल टी की पावर -2 अपान नीचे दिया गया बाबू ए स्क्वायर, तो इधर पोजीशन प्लस में ऊपर जाएगा माइनस। इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा m एल टी की पावर -2 और a की पावर -2। यही बताया गया बाबू कि निर्वात की चुंबकशीलता अर्थात म्यू जीरो की बीमा है, और मात्रक आपको पता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, और म्यू जीरो का मान निकला है बाबू 4π × 10^-7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और बायो सेवर्ट आपको यही बताया गया, बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि धारावाही चालक के छोटे खंड की लंबाई से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वह निम्न बातों पर निर्भर करती है। जो बात आपको बताया गया डेल्टा बीज प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा बीज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, डेल्टा बीज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, या डेल्टा बीज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इन चारों नियमों को जब आप मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा बीज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बताया गया बाबू जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू नियतांक कार्य करता है, वह नियतांक है म्यू जीरो अपान फोर पाई। इस कंडीशन में मिलेगा डेल्टा बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान फोर पाई आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही बायो सेवर्ट का नियम है, जो कि पहले ही बता दिया गया कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है।